मैं मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए और माशाल्लाह स्पेशल हमारे जो चेयरमैन हैं लाइक गौर एजाज साहब, हमारे पेट्रोल इन चीफ तनवीर एस एम तनवीर साहब, मेरे टीम SVP और मेरे वाइस प्रेसिडेंट और से KP से और सर और लेडीज को भी मैं सलाम दोबारा पेश करता हूँ। मैं आज हमने एक बड़ी अच्छी डिटेल मीटिंग की FBR की मेंबर की आई हुई थी मेंबर IR और तो हमने लाइक सारी जो नॉमिनीज थी वो डिस्कस की, बजट में जो जो चीज़ें प्रदर्शन ने मुनासिब समझी हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी आज हमने एजेंडा बनाया है कि हर बंदे को फाइलर होना चाहिए, हर बंदे को टैक्स पे करना चाहिए और हम गवर्नमेंट से कोई ना सब्सिडी मांग रहे हैं ना कुछ उन्हें कह रहे हैं। हमें भी हालात का पता है, मुल्की हालात क्या हैं और गवर्नमेंट ने एनर्जी में हमें सपोर्ट की भी है और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि जो थोड़ी बहुत एनोमलीज हैं और FPCCIM के साथ एक पेज पे होके उनके सपोर्ट करेगी और जो हमारी डिमांड्स हैं हम चाहेंगे कि वो पूरी हो। थैंक यू। मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा गौर एजाज साहब से कि वो कुछ अपने ब्रीफ थोड़ा सा मामला पे जो आए मीटिंग हुई है थोड़ा सा में नॉट रियल देने जा रहे। हम बार बार कहते हैं हर फोरम पे हमने कहा है कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि जनाब हमारे यहाँ करेंसी भी वाली हुई, हमारे यहाँ नए टैक्सेस लगे, हमारे यहाँ जो है वो शॉर्टेज हुई सप्लाईज की और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन हुई। इसी रीजन में बांग्लादेश भी है, इसी रीजन में हिंदुस्तान भी है, इसी रीजन में बाकी ममालिक में उनके यहाँ कुछ इन्फ्लेशन 6% है, उनके यहाँ क्यों इंटरेस्ट रेट 7% है, हमारे यहाँ क्यों इंटरेस्ट रेट 20% है जिसपे हमने 45 ट्रिलियन आज हमारा हो गया है जिसके ऊपर 20% रख के हमने नॉन ट्रिलियन के सूद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें पॉलिसी देनी चाहिए कि 12% से ऊपर का अगले साल के बजट में सूद नहीं होगा और सूद पे हुकूमत इस बात की कमिटमेंट दे के 5 ट्रिलियन का सूद होगा। 4 ट्रिलियन रुपए सिर्फ एक मद से बचते हैं। हमने पूरी कौम को जो है वो सूदी बना दिया। 20% के ऊपर पूरी कौम, आप हैरान हो जाएंगे नंबर सुन के, पिछले साल 23 ट्रिलियन रुपए था आज के दिन बैंकों में, आज 29 ट्रिलियन हो गया है। 6 ट्रिलियन रुपया एक साल में लोगों ने उठा के जो है वो बैंकों में रख दिया सूद पे। आज हम सारे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जनाब टैक्स नहीं देते, टैक्स जो है वो अदा। मैं सवाल पूछता हूं कि अगर हम वाकई टैक्स लेना चाहते हैं तो सारे पैसे तो बैंकों में पड़े हैं। आप सबसे पहले कहें कि जो फाइलर है वो फाइलर और उसके डिपेंडेंट का पैसा जो है वो बैंक के अंदर अपनी रिटर्न के हिसाब से रह सकता है। जो फाइलर और उसके डिपेंडेंट्स है उनका पैसा बैंक में रह सकता है। कैसे हो सकता है कि कोई नॉन फाइलर जाए और जाके बैंक में डिपॉजिट करे और उसको हम कहते हैं कि तुम 20% रिटर्न ले लो और सिर्फ उसके रिटर्न के ऊपर हम टैक्स लेंगे। असल पैसा जब वाइट नहीं है और हम कहते हैं हमें वाइट कैपिटल चाहिए तो हम तो खुद प्रमोट कर रहे हैं। क्या आप आइए बैंकों में पैसा जमा कराए 7 ट्रिलियन रुपए पहले, अगर हम वाकई सीरियस हैं तो आज ये पैसा मौजूद है बैंकों के अंदर, क्यों हम इनको अलाउ कर रहे हैं कि नॉन फाइलर जाके पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दे और उस पर अकूते बाध्यता 20% सूद ले। अगर हम सीरियस हैं तो आज के दिन फैसला करें कि हम आज फेडरेशन की मीटिंग में यूनानिमस उठे हैं हमें नॉन फाइलर कैटेगरी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर यह बात उठे कि ये नॉन फाइलर। हम कह रहे हैं कि हमें बिजनेस कम्युनिटी को सिर्फ टैक्स कल्चर चाहिए। हम कहते हैं सिर्फ फाइलर कैटेगरी हो। बिजनेस कम्युनिटी रिजेक्ट करती है ये लेट फाइलर और नॉन फाइलर की कैटेगरी 30% की। हम कहते हैं सिर्फ एक फाइलर कैटेगरी हो, बट उसके तहत हमने साथ ही FBR को कहा है ये आपका जो फॉर्म है ये कोई पाकिस्तान का आदमी स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ भी नहीं भर सकता, ये शायद आप भी नहीं भर सकते अपना फॉर्म। 5 लाइनों का फॉर्म होगा, हम फेडरेशन आज वो फॉर्म बना के दे रहे 5 लाइनों का, जो फॉर्म कोई भी चाहे और फॉर्म भरे और वो टैक्स फाइलर नहीं टैक्स रिटर्न उसकी फाइल हो जाए, फेडरेशन आपको बना के देती है। एक्शन
हम इस बात को आज के दिन फेडरेशन की तरफ से कहते हैं कि आपके 4.5 मिलियन टॉयलर हैं, आप टारगेट करेंगे 50 मिलियन फाइलर होंगे। फेडरेशन आपको सपोर्ट कर रही है एक एक पेज का फॉर्म बना के, पांच पांच लाइनों का, सिर्फ उसके अंदर एटीएन नंबर जो उसको एलोकेट करें, उसके थ्रू सीएनआईसी नंबर, उसका सीएनआईसी नंबर एटीएन नंबर कंसिडर हो, उसके नाम हो, उसकी डिटेल हो, उसका एड्रेस हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी का अगर कोई कनेक्शन है तो नंबर हो, और वो अपनी इनकम अपनी सेल्फ असेसमेंट के तहत उसमें जो है सबमिट कर, बस सिर्फ पांच लाइन। पाकिस्तान क्यों नहीं आएगा इस टैक्स सिस्टम में? हर पाकिस्तानी टैक्स सिस्टम में आना चाहता है। हमने अपने आप का खुद हम ये लूपहोल्स क्रिएट करते हैं नॉन फाइलर के, और लूपहोल्स क्रिएट करते हैं लेट फाइलर से। मैं फिर पूछता हूं कि क्या हम बोल रहे हैं कि अगर कोई हवाई जहाज पे चढ़ के चला जाएगा मुल्क में नॉन फाइलर, और अगर हमें पता चल गया तो उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए की पेनल्टी डाल देंगे, तो बैंकों के अंदर पैसे 30 ट्रिलियन पड़े हैं, उनमें से पहले तो बताएं कौन है नॉन फाइलर्स, और नॉन फाइलर्स के पैसे अगर वहां मौजूद है, तो अगर हम कह रहे हैं कि नॉन फाइलर कारोबार करना चाहता है तो 30% पैसा अदा करे, ये पैसे अगर हुकूमत चाहती है तो नॉन फाइलर के पैसे पे पहले 30% काटे, उसके बाद पैसे उसके जो है फाइलिंग के बाद उसके उसके रिलीज करें। हमें अगर रिफॉर्म्स करने हैं तो फिर हमें सीरियस होना पड़ेगा। अगर कोई टैक्स पेयर है और उसकी टैक्स रिटर्न मौजूद है तो वो निकाल सकता है बैंक से पैसा, पहले फाइलर बने, और उसका अगर फाइलर का डिपेंडेंट है, अगर वो फाइलर का डिपेंडेंट है तब लेके निकले। अगर हम चाहते हैं मुल्क में रिफॉर्म लाना और हम चाहते हैं कि उन्हीं लोगों पे टैक्स का बर्डन ना बढ़े, मैं हैरान हो गया सुन के 45 लाख का हमारे यहां टैक्स फाइलर है जिसमें सिर्फ 15 लाख लोग टैक्स अदा करते हैं, 30 लाख तो वो है जो सैलरी क्लास है जिनकी टैक्स कट जाता है। क्यों है ऐसे? हम चाहते ही नहीं है फाइलर बने। आप चाहे देखा नहीं है आपने वो जितने पेजेस का फॉर्म है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं बन सकते। हमारी इसके ऊपर जो सबसे बड़ा आज ये है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक्सपोर्टर्स हमारे मुल्क के लिए जो है फॉरेन एक्सचेंज कमा के लाते हैं, और एक्सपोर्टर्स जो है